यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। धर्मशाला में पीएम मोदी की रैली में प्रदेश को कोई सौगात न दिए जाने पर विपक्ष के बयानों पर सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकारों का काम केवल घोषणाएं करना था, जबकि पीएम मोदी ने एक साल के कार्यकाल के दौरान प्रदेश के लिए 9,000 करोड़ की विभिन्न योजनाओं के तहत सौगातें प्रदान की है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने तो विशेष राज्य का दर्जा तक छीन लिया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने जनहित के काम किए हैं। अरब देशों ने और दुनिया भर के तमाम देश ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने के लिए पहले निर्णय कर चुके हैं, तो भारत में हमारी मुस्लिम बहनों को इस मुसीबत से निजात दिलाने के लिए जो मोदी जी ने वायदा किया था वो हमने लोकसभा में पूरा किया है। कुछ राजनीतिक दल केवल वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उन मुस्लिम महिलाओं को अधिकार नहीं दिलाना चाहते जो न्याय के लिए कई वर्षों से भटक रही हैं। मेरा यही प्रार्थना, यही अनुरोध बाकी राजनीतिक दलों से रहेगा कि अपने निर्णय पर पुनः विचार करें। कांग्रेस की हताशा निराशा में समझ सकता हूं, जिनका पूर्व मुख्यमंत्री ही चार्जशीटेड था, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, और मैं कहूँगा कि कांग्रेस को थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि 5 वर्ष उन्होंने जब काम नहीं किया तभी जनता ने उनसे सत्ता छीनी है। थोड़ा शांति से बैठें। हिमाचल प्रदेश का विकास जो उन्होंने रोका था अब होना शुरू हुआ है। हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए वो ज़मीन नहीं दे पाए थे, 4 साल नहीं थी, हमने 4 महीने में देकर कॉलेज शुरू करवाया। केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 5 साल वो अनुमति नहीं दिला पाए थे, हमने 5 महीनों के अंदर दिलाई है। कांग्रेस ने राजनीति की है, केवल राजनीति करेंगे, हम विकास करने आए, विकास करके दिखाएंगे।